बॉलीवुड के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन ने अनगिनत फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता से करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। दशकों पहले शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनके द्वारा अभिनीत यादगार 30 फिल्में, जिनको देखे बिना यदि आप अमिताभ बच्चन का फैन होने का दावा करते हैं तो यकीन करिए आप टाइम पास फैन ही हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली फिल्म है दोस्तों आनंद, जो 1971 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की कहानी पर आधारित है, जो अपने मरने से पहले पूरी जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को जीना चाहता है और जीता भी है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर और राजेश खन्ना ने मरीज का मुख्य किरदार बहुत ही संजीदगी से निभाया है। बाबू मोसाए इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था। फिल्म में अभिनय के साथ साथ संगीत भी बेहद उम्दा है। जीवन में एक बार देखने योग्य फिल्म है दोस्तों, मिस मत करिएगा। फिल्म के निर्माता हैं ऋषिकेश मुखर्जी एनसी सिप्पी और निर्देशक हैं ऋषिकेश मुखर्जी, लेखक भी हैं ऋषिकेश मुखर्जी और संगीतकार हैं सलील चौधरी। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो या फिर मैक्स प्लेयर और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। अगली फिल्म है 1973 में आई जंजीर। जंजीर 1973 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के अभिनय जीवन ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के साथ ही बिग बी के संघर्ष के दौर का अंत हुआ और हिंदी सिनेमा को एक नया उभरता स्टार मिल गया। भारत में भ्रष्ट सिस्टम से त्रस्त आम आदमी की खीज, उसके लड़ने की जज्बे को दिखाने वाली यह पहली फिल्म थी। फिल्म में विजय खन्ना के बचपन में उसके माता पिता का खून हो जाता है। कातिल के हाथ में लटकी जंजीर उसके जहन में बुरे सपने की तरह बस जाती है। अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान उसे अपने परिवार के कातिल का सुराग मिल जाता है और तमाम परेशानियों को झेलकर वो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। इसमें उसका पहले विरोधी लेकिन बाद में मित्र शेर खान यानी कि प्राण उसकी बहुत सहायता करता है। निर्माता निर्देशक थे इस फिल्म के प्रकाश मेहरा, लेखक थे सलीम खान, जावेद अख्तर और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। यह फिल्म आपको YouTube पर मिल जाएगी। 1973 में अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म आई थी अभिमान। ये एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी। इसमें अमिताभ बच्चन और उनकी रियल लाइफ पत्नी जया भादुरी मुख्य किरदार में थे। यह फिल्म अपने मधुर संगीत कंपोजिशन के लिए ज़्यादा जानी जाती है, जिसके संगीतकार महान एसडी बर्मन थे और गीतकार बेजोड़ मजरू सुल्तानपुरी साहब जी थे। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार गायक थे। जया भादुरी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। माना जाता है कि यह फिल्म किशोर कुमार और उनकी पत्नी रूमा घोष की असल जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म एक सिंगर कपल पर बनी थी। सुबीर का कैरियर उतार पर है, जबकि उसकी नई दुल्हन उमा एक उभरती गायिका है। समय के साथ उमा सुबीर से अधिक मशहूर हो जाती है और सुबीर ईर्ष्या में अपने दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन जाता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं। अति तनाव में उमा का गर्भपात हो जाता है और वे अपने रास्ते चल पड़ते हैं, लेकिन अंततः कुछ मददगार लोगों के प्रयास से वे फिर से एक हो जाते हैं और साथ में स्टेज पर आते हैं। इस फिल्म का संगीत बहुत शानदार बन पड़ा है और अभी भी बहुत पसंद किया जाता है। इस फिल्म के निर्देशक भी ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। निर्माता सुशीला कामत पवन कुमार, लेखक ऋषिकेश मुखर्जी, संगीतकार सचिन देव बर्मन, मजरू सुल्तानपुरी। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो, मैक्स प्लेयर, यूट्यूब, गूगल प्ले मूवीज एंड टीवी वगैरह में भी आप इसको देख सकते हैं। 1973 में ही अमिताभ बच्चन की अगली फिल्म आई थी नमक हराम। यह फिल्म सोमू यानी कि राजेश खन्ना और विक्की यानी अमिताभ बच्चन नाम के दो दोस्तों के बीच के रिश्ते पर आधारित है। सोमू गरीब है जबकि विक्की धनवान सेठ का बेटा है। विक्की अपने दोस्त की नया यूनियन लीडर बनने में मदद करता है, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच तनाव आ जाता है क्योंकि सोमू मजदूरों की स्थिति को लेकर स्टैंड ले लेता है। अमीर और गरीब दोस्तों के बीच व्यापारिक विरोध के कारण उपजे संघर्ष को इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। नमक हराम अपने समय की बेहद हिट फिल्म थी। इसके निर्देशक भी दोस्तों ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। निर्माता थे जयेंद्र पांड्या, राजा राम और सतीश वागले। लेखक थे गुलजार, डीएन मुखर्जी, बीरेश चटर्जी, चंद्रकांता सिंह, मोहिनी एन सिप्पी। संगीतकार थे राहुल देव वर्मन और गुलजार। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो और यूट्यूब पे आप इसे देख सकते हैं। अगली फिल्म आई थी 1975 में दीवार। दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन द्वारा अभिनीत बेहद सफल और देखने योग्य फिल्म है। यह अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन किरदार को स्थापित करने वाली फिल्म थी। यह फिल्म ईमानदारी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले एक यूनियन प्रधान सत्येन कप्पू के परिवार में उनकी पत्नी, बड़ा बेटा विजय और छोटे बेटे के जीवन की त्रासदी पर आधारित है। विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है का टैटू उसकी जिंदगी बदल देता है और वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाता है। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। फिल्म के अंत में दोनों में माँ को अपने साथ रखने के लिए तकरार होती है और माँ ईमानदारी से कमाने वाले छोटे बेटे का साथ देती है। इस फिल्म का मशहूर डायलॉग था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता और मेरे पास माँ है, जिस पर आज भी कमर्शियल एड्स बनते हैं। इंडिया टाइम्स की टॉप 25 मस्ट सी लिस्ट में यह फिल्म भी शामिल है। इस फिल्म के निर्देशक थे यश चोपड़ा, निर्माता गुलशन रॉय, लेखक सलीम खान, जावेद अख्तर और संगीतकार थे राहुल देव वर्मन, साहिर लुधियानवी। दोस्तों आपको ये फिल्म YouTube पर देखने के लिए मिल जाएगी। 1975 में कालजयी फिल्म शोले भी आई। भूतपूर्व पुलिस अधिकारी बलदेव सिंह ठाकुर उर्फ ठाकुर कुख्यात और क्रूर डाकू गब्बर सिंह द्वारा अपने पूरे परिवार की हत्या किए जाने के बाद जय और वीरू नाम के चोर उचक्कों को गब्बर सिंह को जिंदा पकड़ने के लिए नियुक्त करता है। अपने समय की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक यह फिल्म मुंबई के मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल तक चलती रही। शोले फिल्म में गब्बर का मशहूर डायलॉग कितने आदमी थे आज भी लोगों के बीच चलन में है, जिससे इस फिल्म के लोकप्रियता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इस फिल्म में असरानी, जगदीप और बसंती की कॉमेडी बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म जगत में कहा जाता है कि जिसने शोले फिल्म नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों किस किस ने ये शोले फिल्म देखी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सभी के कमेंट्स का आंसर दूंगा। इस फिल्म के निर्माता हैं गोपाल दास सिप्पी, निर्देशक रमेश सिप्पी, लेखक सलीम जावेद और संगीत राहुल देव बर्मन। 1975 में एक हास्य फिल्म आई चुपके चुपके। यह फिल्म एक हास्य पारिवारिक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन ने प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी का किरदार निभाया है। शर्मिला टैगोर, ओम प्रकाश इस फिल्म के अन्य कलाकार हैं। प्रेम, रोमांस, आपसी मनमुटाव, रिश्तों की नजाकत और गर्माहट आदि को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म बंगाली उपन्यास पर आधारित है। तो दोस्तों पता तो लगेगी आप लोगों को, इसके भी निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी हैं, लेखक हैं शकील चंद्र, उपेंद्रनाथ गांगुली, गुलजार, डीएन मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो, मैक्स प्लेयर, यूट्यूब, गूगल प्ले मूवीज एंड टीवी पर आप देख सकते हैं। 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी। यह फिल्म हिंदी भाषा की एक्शन हास्य फिल्म है। यह मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित और निर्मित है। फिल्म में विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में है और इनके विपरीत क्रमशः सबाना आजमी, परवीन बॉबी और नीतू सिंह है। कहानी बचपन में अलग हुए 3 भाइयों पर केंद्रित है जिन्हें विभिन्न धर्मों के 3 परिवारों हिंदू, मुस्लिम और ईसाई द्वारा अपनाया जाता है। एक पुलिसकर्मी बनता है, दूसरा गायक और तीसरा देसी शराब बार का मालिक होता है। यह फिल्म 27 मई 1977 को रिलीज हुई थी और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में यह फिल्म बॉलीवुड मसाला फिल्मों में एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई, निर्माता मनमोहन देसाई, लेखक कादर खान, संगीतकार लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल। अगर दोस्तों आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो, वूट, एप्पल टीवी, यूट्यूब, मैक्स प्लेयर, इन सब माध्यम से आप इस फिल्म को देख सकते हैं। खून पसीना 1977 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, निरूपा रॉय, असरानी, अरुणा ईरानी, भारत भूषण और कादर खान है। यह अमिताभ बच्चन की एक और सुपरहिट फिल्म थी। यह फिल्म जुर्म की दुनिया पर आधारित है। इस फिल्म में शिवा, जो अपने आस पड़ोस में जुर्म करता है, और उसकी माँ उसकी शादी कराने के लिए उसको मनाती है। दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है और इसके गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, देखिएगा जरूर। इसके निर्देशक रहे हैं राकेश कुमार, निर्माता बाबू मेहरा, लेखक कादर खान, राकेश कुमार, के शुक्ला। यह फिल्म आपको YouTube पर मिल जाएगी देखने के लिए, तो दोस्तों प्लीज़ इस मूवी को देखिएगा जरूर, बहुत अच्छी मूवी है। 1977 में परवरिश आई। परवरिश 1977 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। परवरिश एक क्राइम आधारित ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने दो भाइयों की भूमिका निभाई है जो अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। सबाना आजमी और नीतू सिंह ने प्रेमिकाओं की भूमिका निभाई है। अमजद खान और कादर खान खलनायक हैं। यह मनमोहन देसाई की उस साल की 4 हिट फिल्मों में से एक थी जिनमें अन्य चाचा भतीजा, धर्मवीर और अमर अकबर एंथोनी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई, निर्माता थे ए नाडियावाला, लेखक थे कादर खान और संगीत इसको दिया था लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल ने। आपको ये फिल्म YouTube पर मिल जाएगी दोस्तों। फिर आई डॉन। डॉन 1978 की एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। डॉन एक मोस्ट वांटेड अपराधी होता है जो पुलिस से लड़ाई के दौरान मारा जाता है। डीएसपी डिसिल्वा ही जानता होता है कि डॉन मरा नहीं है। डिसिल्वा डॉन के हमशक्ल विजय को अंडरवर्ल्ड में भेजता है ताकि वो अन्य अपराधियों के बारे में सारी जानकारी हासिल करके उनका समूल नाश कर सके। इसी बीच डिसिल्वा मारा जाता है और विजय मुसीबत में आ जाता है क्योंकि अपराधी जान चुके होते हैं कि वो असली डॉन नहीं है, जबकि पुलिस सोचती है कि वही डॉन है। विजय के सामने एक ही रास्ता है और वो है एक डायरी जिसमें सभी अपराधियों की लिस्ट है। इस सुपरहिट फिल्म पर शाहरुख खान को लेकर 2 रीमेक बन चुके हैं जो कि सुपरहिट रहे। फिल्म के निर्देशक थे चंद्र बरोट, निर्माता थे नरीमन ईरानी, लेखक थे सलीम जावेद और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। फिर आई मुकद्दर का सिकंदर जो 1978 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। यह प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन की 9वीं फिल्मों में से 5वीं है। फिल्म में विनोद खन्ना, राखी, रेखा और अमजद खान भी है। मुकद्दर का सिकंदर 1978 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह शोले और बॉबी के बाद दशक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी थी। मुकद्दर का सिकंदर एक अनाथ लड़के पर बनी फिल्म है। वो शिमला में अपने मालिक की बेटी से प्यार करता है और उस पर चोर होने का इल्ज़ाम लग जाता है और फिर उसकी दोस्त भी उसे चोर ही समझती है। तमाम मुसीबतों को झेलता हुआ सिकंदर अंत में अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब हो जाता है। अमजद खान, रेखा और विनोद खन्ना के साथ राखी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है। अमिताभ बच्चन के कैरियर की यह एक बहुत ही अच्छी देखने योग्य फिल्म है दोस्तों। ये पारिवारिक फिल्म आप लोग आराम से बैठ के पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रकाश मेहरा, निर्माता प्रकाश मेहरा, लेखक कादर खान और संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी हैं। फिर आई काला पत्थर 1979 में बनी चासनाला खनन दुर्घटना पर यह फिल्म आधारित थी। इस दुर्घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 375 लोग मारे गए थे। इस फिल्म में एक ईमानदार पुलिस पिता अपने बच्चे का अपहरण करने वालों की कोई डिमांड नहीं मानता इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के महानायक बन गए। तो ये वो पहली फिल्म थी जिसके बाद वो महानायक बने। दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं यश चोपड़ा, लेखक हैं सलीम जावेद, संगीतकार हैं राजेश रोशन और साहिर लुधियानवी। यदि आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह आपको प्राइम वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, 1979 में सुहाग फिल्म आई। यह फिल्म वर्ष 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। सुहाग फिल्म गैंगस्टर पर आधारित है। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन दो भाई होते हैं, जैसे कि दीवार फिल्म में होते हैं। किशन यानी कि शशि कपूर एक अच्छा पुलिस अफसर बन जाता है, वहीं अमित एक गुंडे के साथ साथ शराबी भी बन जाता है। किशन और अमित आपस में मिलते हैं तो वे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब पिक्चर में क्या होता है दोस्तों, ये तो जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता लगेगा, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है। निर्देशक हैं इसके मनमोहन देसाई, लेखक हैं कादर खान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। अगर आपको इस फिल्म को देखने का मन है तो ये आपको अमेजन प्राइम पे, वूट पे और यूट्यूब पर मिल जाएगी। दोस्तों, दोस्ताना 1980 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य एक्शन फिल्म है। यह कुर्बानी, आशा और राम बलराम के बाद 1980 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत तमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन और प्राण अभिनय करते हैं। इस फिल्म में विजय और रवि दो दोस्त होते हैं जो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। इस फिल्म के निर्देशक हैं राज खोसला, निर्माता हैं यश जौहर, लेखक हैं सलीम जावेद और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल। अगर दोस्तों आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये आपको अमेजन प्राइम वीडियो, यूट्यूब, गूगल प्ले मूवीज़ और टीवी में मिल जाएगी। 1981 में आई थी फिल्म याराना। इस फिल्म का शीर्षक पहले यार मेरा था। 1981 की एक भारतीय म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान ने अभिनय किया है। फिल्म का प्लॉट महाभारत से कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती पर आधारित है। यह उन फिल्मों में से एक थी जिसमें अमजद खान ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। जी हाँ दोस्तों, वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी लगभग सभी अन्य फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है। यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें किशन और बिशन दो दोस्त होते हैं। इनमें से किशन अनाथ होता है जबकि बिशन अच्छे खानदान से होता है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। इस फिल्म के निर्देशक थे राकेश कुमार, निर्माता थे H.A. नाडियावाला, लेखक थे कादर खान और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह YouTube और मैक्स प्लेयर के माध्यम से आप इन्हें देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन की 1981 में एक और फिल्म आई थी, लावारिस। इसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, अमजद खान और राखी हैं। इसका एक गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म में एक लड़के को जन्म से त्याग दिया जाता है, फिर बाद में उसको एक शराबी द्वारा पाला जाता है जो उस त्याग के लिए बच्चे का नाम एक कुत्ते के नाम पर रखता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट घोषित किया गया था। यह 1981 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश मेहरा, लेखक थे कादर खान और संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी। इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगली फिल्म 1981 में ही रिलीज हुई थी और उसका नाम है दोस्तों सिलसिला। इसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, संजीव कुमार और शशि कपूर मुख्य कलाकार हैं। यह फिल्म उस समय 3 सितारों अमिताभ, जया, रेखा के वास्तविक जीवन के कथित प्रेम त्रिकोण से बहुत ज़्यादा प्रेरित है जो उस समय के प्रेम प्रसंगों में सबसे ज़्यादा चर्चित था। तो दोस्तों, इस फिल्म को तो आप मिस बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, आप ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को। इसके निर्देशक निर्माता हैं यश चोपड़ा, लेखक हैं रमेश शर्मा, संगीतकार हैं शिवहरी। और दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था मिस मत करना इस फिल्म को, और मैं आपको बता भी देता हूँ ये फिल्म आपको कहाँ मिलने वाली है। आप इसको देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो, वूट, एप्पल टीवी और यूट्यूब पर। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म रिलीज हुई थी 1981 में जिसका नाम था कालिया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, परवीन बॉबी, आशा पारेख, कादर खान, प्राण, अमजद खान और ए के सिंह ने एक्टिंग की थी। यह फिल्म एक कालिया नाम के लड़के पर आधारित है जिसके बड़े भाई का एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है। दरअसल कालिया यानी कि अमिताभ बच्चन अपने बड़े भाई सामू यानी कि कादर खान, भाभी शांति यानी आशा पारेख और उनकी छोटी बेटी मुन्नी के साथ रहता है। वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हुए अपना समय काटता है। फिल्म में आगे क्या होगा या आगे क्या हुआ, दोस्तों फिल्म देख के ही पता करेगा। निर्देशक हैं इसके टीनू आनंद, निर्माता इकबाल सिंह, लेखक इंदर राज आनंद और संगीतकार राहुल देव वर्मन। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, ये आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर और यूट्यूब पर, गूगल प्ले म्यूजिक पर, ये सब जगह पर आप इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों 1982 में एक और सुपरहिट फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, नाम था सत्ते पे सत्ता। इसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता, सचिन, शक्ति कपूर, पेंटल, विजेंद्रू घटके, सुधीर, सारिका, कंवलजीत सिंह, प्रेमा नारायण, मैक मोहन और कल्पना अय्यर, ये सब इसके हिस्से थे। अपने माता पिता के मरने के बाद रवि, जो 7 भाइयों में सबसे बड़ा होता है, अपने 7 भाइयों का अभिभावक बन जाता है। यह फिल्म हास्य से भरपूर है। सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों की कहानी है। उनमें सबसे बड़ा रवि यानी कि अमिताभ बच्चन, जो अपने भाइयों की देखरेख करता रहता है। वो सभी अनाथ और अशिक्षित होते हैं। उन लोगों को अच्छे से रहना भी नहीं आता है। फिर उन लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है जब रवि को एक नर्स इंदू यानी कि हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। रवि उसे बेवकूफ बनाता है और कहता है कि उसका सिर्फ एक ही छोटा भाई है। इसके बाद रवि और इंदू की शादी हो जाती है। और फिर फिल्म में क्या होता है दोस्तों, निर्देशक निर्माता इसके रोमू एंड सिप्पी, लेखक हैं कादर खान, संगीतकार आर.डी. बर्मन। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो फिर आपको यही फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी या फिर आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन की 1982 में एक और सुपरहिट फिल्म आई थी नमक हलाल। इस फिल्म में अर्जुन यानी कि अमिताभ बच्चन को उसका दादा ओम प्रकाश पालता पोसता है। उसके दादा अर्जुन के लिए शहर जाते हैं और उसके लिए पुराने मालिक के होटल में नौकरी पर लगवाते हैं। होटल के मालिक के बेटे यानी कि शशि कपूर पर दुश्मनों की नज़र है और वे उसे मारकर होटल अपने नाम करवाना चाहते हैं। अर्जुन को यह पता चलता है कि होटल की मालकिन यानी कि वहीदा रहमान दरअसल उसकी माँ है। रोमांचक घटनाओं और हास्य से भरपूर बहुत ही उम्दा फिल्म है दोस्तों नमक हलाल। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी या फिर आज रपट जाएं तो आदि बहुत ही उम्दा गीत संगीत से गाने इसमें भरे हुए हैं। इस फिल्म के निर्देशक हैं प्रकाश मेहरा, निर्माता हैं इकबाल सिंह, लेखक हैं सुरेंद्र कौल, लक्ष्मीकांत शर्मा, कादर खान और संगीतकार हैं बाप्पी लहरी। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये आपको अमेजन प्राइम वीडियो, आपको वूट या फिर एप्पल टीवी या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। फिर 1984 में अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म आई शराबी। बचपन में मां के आंचल से रहित अमिताभ बच्चन का किरदार विक्की कपूर अपने पिता करोड़पति यानी कि करोड़पति हैं, उसके पिता के प्यार से तरसता हुआ जवानी में शराब के सहारे अपने जीवन को चलाने लगता है। बिजनेसमैन बाप यानी कि प्राण उसे मुंशी ओम प्रकाश के सहारे छोड़कर अपने बिजनेस की दुनिया में व्यस्त रहता है और पैसे को सब कुछ समझता है। विक्की को एक गरीब नाचने वाली यानी कि जया प्रदा से प्यार हो जाता है, जो उसके बाप को नागवार गुजरता है और उसे घर से निकाल देता है। विक्की खुशी खुशी घर छोड़ देता है, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। बेजोड़ अभिनय और अंग्रेजी फिल्म पर आधारित रोमांचक पटकथा पर बनी इस फिल्म ने प्लैटिनम जुबली मनाई थी दोस्तों। इस फिल्म के निर्देशक थे प्रकाश मेहरा, निर्माता हैं सत्येंद्र पाल, लेखक कादर खान, संगीतकार बप्पी लहरी। यह फिल्म आपको दोस्तों यूट्यूब पर मिल जाएगी। 1985 में एक और सुपरहिट फिल्म आई थी मर्द। मर्द 1985 में बनी एक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह ने अपना मुख्य किरदार निभाया था। यह फिल्म उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म थी दोस्तों। फिर 1990 में मूवी आई अग्निपथ। इस फिल्म में एक छोटा लड़का अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए धीरे धीरे बदमाश बनता जाता है ताकि वो अपने पिता के हत्यारे तक पहुँच सके। अच्छी फिल्म है दोस्तों, देखनी चाहिए। फिर अगली फिल्म है 2002 में आई आंखें। इस फिल्म में विजय सिंह राजपूत बैंक का एक विचित्र मैनेजर होता है जो अपने ही बैंक में अंधों से चोरी कराता है। यह फिल्म बहुत ही रोमांच और हास्य से भरपूर है दोस्तों। 2003 में आई बागबान। इस फिल्म में बूढ़े दंपत्ति अपने बच्चों से प्रेम और सहानुभूति की आशा करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उन्हें बोझ की तरह व्यवहार करते हैं। यह फिल्म बहुत ही भावनात्मक फिल्म है दोस्तों, आप भावनाओं में बह जाएंगे। अगली फिल्म है 2004 में आई खाकी। इस फिल्म में डीसीपी अनंत श्रीवास्तव के रूप में अमिताभ बच्चन एक ईमानदार पुलिस अभिनेता यानी कि पुलिस का किरदार निभाते हैं। उन्हें एक आतंकवादी को मारने का मिशन दिया जाता है। फिर 2005 में आई ब्लैक। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक बहरी और अंधी लड़की का किरदार निभाया है और अमिताभ बच्चन ने उनके अध्यापक का किरदार निभाया है। 2005 में ही आई सरकार। यह फिल्म एक राजनीति पर आधारित है। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक नेता का किरदार निभाया है जो मुंबई में 2 सरकारें चलाता है। इसके 3 साल बाद आई 2008 में सरकार राज। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। यह फिल्म अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सरकार का सीक्वल है। इस फिल्म में अनीता राजन, जो एक सैफर्ट अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की सीईओ होती है, वो उसको मरवाना चाहती है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, क्या आप जानते हैं कि बिग बी को मेगा स्टार बनाने वाली जितनी भी फिल्में रही हैं वो हॉलीवुड सिनेमा की कॉपी रही हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन की वो जो चुनिंदा फिल्में हैं वो कौन कौन सी हैं। 2005 में आई ब्लैक। यह अमिताभ बच्चन की फिल्म साल 2005 में आई थी। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में है। ब्लैक हॉलीवुड फिल्म द मिरेकल वर्कर का रीमेक है। ब्लैक हिंदी सिनेमा की एक शानदार फिल्म थी। फिल्म ने 11 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते थे। अमिताभ की एक और फिल्म है दोस्तों, क्या नाम है उसका, कांटे। कांटे फिल्म रिजर्वायर डॉग्स का रीमेक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, कुमार गौरव और सुनील शेट्टी सहित कई कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं। बॉलीवुड में यह एक पावर पैक्ड फिल्म है। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म है सरकार। यह हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर की रीमेक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, के मेनन, जाकिर हुसैन और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में हैं। यह बॉलीवुड की शानदार फिल्मों में से एक है दोस्तों। अमिताभ की एक और फिल्म थी दोस्तों जो शायद आप लोगों को, शायद क्या, बिल्कुल याद ही होगा यार, शोले याद है ना। बॉलीवुड की सदाबहार फिल्म शोले द मैग्निफिसेंट 7 का रीमेक है। द मैग्निफिसेंट 7 सोशल हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शोले गाने से लेकर शानदार किरदारों तक उस समय लोग शोले के दीवाने थे। जय, वीरू, ठाकुर, गब्बर या फिर सूरमा भोपाली, लोग उन्हें उनके किरदार के नाम से ही याद करते हैं। और दोस्तों ये तो मेरी भी फेवरेट मूवी है। 1990 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी अग्निपथ, जो उनके कैरियर की बहुत बड़ी मील की पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मुंबई के गैंगस्टर मान्या सुर्वे से प्रेरित एक किरदार विजय दीनानाथ चौहान के रूप में बच्चन की आउटिंग की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई थी। भले ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अमिताभ की एक्टिंग, वाओ दोस्तों। आप में से किस किस ने देखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म थी सत्ते पे सत्ता। यह अमिताभ बच्चन की मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी 7 भाइयों की होती है। यह हॉलीवुड फिल्म 7 ब्राइड्स फॉर 7 ब्रदर्स से प्रेरित थी, जो सिनेमाघरों में हिट रही थी। चाहे वो कहानी हो, अमिताभ की फैन फॉलोइंग हो या आकर्षक संगीत, सत्ते पे सत्ता एक सुपर हिट हिंदी फिल्म है। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के मेगा स्टार हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने कैरियर में कई शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। अमिताभ बच्चन अपनी अलग एक्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, क्या आपको इसमें पता था कि ये सारी फिल्में किस हॉलीवुड फिल्म की रीमेक हैं? अगर आपको पता था, जिसको पता था वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के इंतजार में। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अभी भी कई बॉलीवुड प्रशंसकों की नंबर 1 पसंद हैं। उनके फैन उनके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं। जो उनके जीवन से संबंधित है या उनके काम से संबंधित है। तो दोस्तों आइए चलिए आज हम भी जानते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में 30 लेकिन दिलचस्प बातें। शुरू में अमिताभ बच्चन का उद्देश्य बॉलीवुड में एक्टर बनने का नहीं था। वो एयरफोर्स में जाना और देश की सेवा करना चाहते थे। दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता में एक शिपिंग फर्म के कार्यकारी के रूप में अपनी पहली नौकरी करी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बिग बी का पहला वेतन 500 रुपए था। अमिताभ की दूसरी नौकरी भी कोलकाता में ही थी। वो एक ब्रोकर के रूप में कंपनी में कार्यरत थे। फिल्मों में जाने से पहले उनका अंतिम वेतन 1680 रुपए था। कोलकाता में नौकरी करने के दौरान उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी जो सेकंड हैंड फिएट थी। अमिताभ का असली नाम इंकलाब श्रीवास्तव है। सुनील दत्त ने अमिताभ को अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में पहली बार साइन किया, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने अपनी दोस्त नरगिस को एक पत्र लिखा था। यह फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जब अमिताभ स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उस समय संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी ने अमिताभ की बहुत मदद की थी। अपने संघर्ष के दिनों में जब अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में घर नहीं था, तो उन्होंने कई रातें मरीन ड्राइव पर बिताई। अमिताभ बच्चन के उस्तादों में से एक मशहूर कॉमेडियन महमूद जी भी थे। शुरुआती दिनों में अमिताभ उनके घर में भी रहे थे। अमिताभ बच्चन ने 1969 में मृणाल सेन की भुवन सोम में वॉइस नरेटर के रूप में फिल्मों में अपना कैरियर शुरू किया। 1977 में निर्देशक सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी बच्चन की आवाज का इस्तेमाल किया था। यहाँ जानने योग्य एक दिलचस्प बात है कि इससे पहले अमिताभ अपनी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हो गए थे। वहाँ वो न्यूज रीडर के रूप में काम करने गए थे। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 1000 रुपये मिले थे। एक अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म 1973 में जंजीर थी। इससे पहले उनकी 12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, 12 फिल्में। उनका लोकप्रिय स्क्रीन नाम विजय है। अमिताभ बच्चन की 20 से अधिक फिल्मों में उनके किरदार का नाम विजय रहा है। उनका दूसरा प्रसिद्ध नाम अमित है। अमिताभ अपनी पत्नी जया भादुरी से पहली बार पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान उसमें मिले थे। अमिताभ यहाँ 7 हिंदुस्तानी की शूटिंग के लिए आए थे, जबकि जया वहाँ पढ़ाई कर रही थी। अमिताभ और जया एकमात्र ऐसे रियल कपल हैं जिन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में एक साथ स्क्रीन पर काम किया है। जलसा बंगला निर्देशक रमेश सिप्पी की अमिताभ को भेंट थी। अमिताभ बच्चन एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत सारी दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं। डॉन, कस्मे वादे, सूर्यवंशम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लाल बादशाह, महान में तो उन्होंने एक ट्रिपल भूमिका भी निभाई है। 90 के दशक के अंतिम वर्षों में अमिताभ बच्चन को उनकी मृत्युदाता फिल्म के बाद बिग बी का खिताब मिला। अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग केवल अफगानिस्तान में की गई थी। उस समय वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्ला अहमद जई ने अमिताभ को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था और केवल उनकी सुरक्षा में अपनी आधी वायुसेना लगा दी थी। फिल्म सिलसिला में गीत रंग बरसे भीगे चुनर के कुछ बोल उनके पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखे गए थे। हालांकि अग्निपथ फिल्म में अमिताभ द्वारा बोली गई कविता भी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई थी। फिल्म कुली में एक विशेष लड़ाई के दृश्य के शूट के दौरान अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए। ठीक उसी क्षण को एक फ्रीज फ्रेम और एक संदेश के साथ चिन्हित किया गया। यह वो शॉट है जिसमें अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसे 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में प्रदर्शित किया गया था। अमिताभ बच्चन एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी रीमेक फिल्म में काम किया है। उनकी 1975 की क्लासिक फिल्म शोले का रीमेक 2007 में राम गोपाल वर्मा की आग थी। इस आग में बिग बी ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। यह हुई ना एक असल लाइफ के सुपर हीरो वाली बात। तो किस किस को पता थी ये बात भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय हास्य चरित्र सुप्रीमो उन्हीं पर आधारित है। अमिताभ बच्चन पहले एशियाई अभिनेता हैं जिनके मोम का पुतला मैडम तुसाद संग्रहालय लंदन में रखा गया है। साथ ही 2009 में न्यूयॉर्क और हांगकांग में भी उनके पुतले रखे गए। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें फिल्मों के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। वास्तव में वो 1990 के दशक तक एकमात्र स्टार थे जिन्हें करोड़ों में भुगतान किया गया था। भारत सरकार ने अमिताभ बच्चन को कला में उनके योगदान के लिए 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। फ्रांस की सरकार ने अमिताभ बच्चन को सिनेमा के क्षेत्र में और इससे परे एक असाधारण कैरियर के लिए 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 26 जुलाई 2012 को अमिताभ को ओलंपिक मशाल के साथ चलने का सम्मान मिला। ओलंपिक आयोजन समिति ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। अमिताभ बच्चन ने एक हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने एक गैर भारतीय यहूदी चरित्र मेयर वोल्फ्सहाइम की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये तो थी अमिताभ बच्चन की 30 दिलचस्प बातें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और भी बातें करेंगे। अभी अब मैं आपको अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने वाला हूँ जो कि तब से जुड़ा हुआ है जब उनकी ABCL कंपनी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। 90 करोड़ रुपए का कर्ज अमिताभ बच्चन पर था। इसके एक पहलू के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था जो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। अमिताभ बच्चन का एक ऐसा बिजनेस जिसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। कौन सा है वो बिजनेस और इस बिजनेस से ABCL का कैसा है कनेक्शन, आज मैं आपको बताऊंगा अमिताभ बच्चन के बारे में। तो कहीं ऐसी कहानियां हैं जो निकल कर सामने आती है। लेकिन उससे पहले जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे ये उस दौर की कहानी हो जब अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर था, या फिर अमिताभ की फिल्मों में स्ट्रगल की कहानी, एक कहानी ये भी है कि अमिताभ बच्चन पर कभी 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। अमिताभ की सारी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप जा रही थी। तभी अमिताभ के नाम हुई मोहब्बतें को करने के बाद अमिताभ ने 90 करोड़ का कर्ज पूरे तरीके से चुकता कर दिया था। लेकिन ये तो रहा अमिताभ का एक ऐसा दर्द भरा पहलू जिसको जानने के बाद आप हैरान तो हो गए होंगे। ABCL कंपनी को जब उन्होंने चलाने की कोशिश की तो कंपनी आगे जाकर भारी नुकसान के साथ बैंकरप्ट हो गई, जिसके बाद अमिताभ बच्चन पर करोड़ों रुपए का कर्ज आ गया। अमिताभ बच्चन ने जिन जिन से पैसे लिए थे सभी पैसे मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आने लगे और उनको जिल्लत के साथ सरेआम बदनाम किया जाने लगा। अमिताभ आज भी इस बात को याद करते हुए कहते हैं कि जब तक उन्हें काम मिल रहा है वो काम करेंगे और काम को कभी नहीं छोड़ेंगे। कब किसकी ज़िंदगी में कौन सा दौर आ जाए किसी को नहीं मालूम। अमिताभ बच्चन की सक्रियता को देखने के बाद हर कोई यही सवाल उठाता है कि आखिर करोड़ों रुपए कमा चुके अमिताभ बच्चन ने आज फिल्मों में इतना क्यों सक्रिय काम करते हैं, छुट्टी क्यों नहीं लेते हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन के रिटायरमेंट के पीछे की कहानी यही है कि 90 करोड़ रुपए का उस वक्त उन पर कर्ज था। तब वो समझ चुके थे कि काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे भी एक और दिलचस्प कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग उस बारे में नहीं भी जानते हैं। बहुत से लोग उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं जिसने कभी बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के साथ मिलकर एक संघर्ष नाटक कंपनी को हासिल किया था। इस शख्स का नाम प्रेमचंद गोड़ा है, जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर शुरुआत की और अमिताभ बच्चन के लिए सीए का काम संभाला। साल 1975 में वो बच्चन और उनके परिवार के बिजनेस पार्टनर बन गए थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक फर्म को अधिग्रहित किया था जिसे एक अंग्रेज ने स्थापित किया था। जब उस कंपनी को खरीदा गया तब कंपनी का नाम इफ़का लैबोरेटरीज था। आज भी इफ़का लैबोरेटरीज काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। आज 28,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के मार्केट कैप के साथ ही कंपनी काफ़ी मजबूती से खड़ी है। किसान परिवार से आने वाले प्रेमचंद गौड़ा आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, जो 711 मिलियन डॉलर वाली कंपनी के मालिक हैं। कंपनी थोक दवाओं को बनाती है, दवा की फार्मूलोंज को बनाती है, फार्मूलाज को बनाती है, जहां शुगर की दवाइयां, मलेरिया, पेन किलर्स और हार्ट संबंधित दवाइयां बनाई जाती है। राजस्थान के रहने वाले गोड़ा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में सीए की पढ़ाई की। इफ़का को खरीदने के लिए सुपरस्टार के परिवार के साथ सहयोग करने से पहले गोंडा ने जाहिर तौर पर अमिताभ के लिए सीए का काम किया, जिसमें जया बच्चन भी शामिल थी। लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कड़ी तब जुड़ती है जब अमिताभ पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज जाता है। अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन ने साल 1990 के दशक में गोंडा की कंपनी में चेयरपर्सन के तौर पर काम किया था। साल 1999 के आसपास जब बच्चन परिवार बेहद कठिन वक्त से गुजर रहा था, बेहद मुश्किल भरा वक्त जो उनके सामने आकर खड़ा था, तब अमिताभ बच्चन ने एक फैसला लिया कि वो इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेच देंगे और इस एसोसिएशन को ही ख़त्म कर देंगे। गोड़ा के नेतृत्व में तब ये मजबूत मैनेजमेंट के साथ इफ़का कंपनी खड़ी है। इसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने कर्ज को चुकता किया। ये उस वक्त के दूसरे पहलू के तौर पर देखी जा सकती है जब अमिताभ बच्चन पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। कुछ कर्ज उन्होंने फिल्म से कमाए हुए पैसों से पूरा किया, तो वहीं अपनी ही दूसरी फिल्म कंपनी की हिस्सेदारी को बेचने के साथ ही उन्होंने तमाम कर्ज को चुकता किया था। इफ़का की बात करें तो इफ़का का कारोबार उस वक्त $5400 था। आज वो बढ़कर 44,422 करोड़ रुपये हो गया है। 71 वर्ष के प्रेमचंद गोड़ा एक अरबपतियों में गिने जाते हैं। उनकी कुल संपत्ति 10,800 करोड़ रुपए यानी कि 1.3 मिलियन डॉलर है। अमिताभ बच्चन की इस कंपनी के बारे में आपने जाना। इन दिनों अमिताभ बच्चन आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल में अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो स्विम सूट में नजर आए। खास बात यह है कि आप हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन को ये कहा जाने लगा कि अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी की कॉपी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे खुलासे किए हैं अपनी ज़िंदगी के जो काफ़ी दिलचस्प हैं। यूँ तो अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी बुक द बच्चन्स को लेकर, अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर और जया बच्चन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। परिवार में क्लेश और अपनी ज़िंदगी के 100 दिलचस्प किस्सों को जानने वाली जो बुक है उसको लेकर उनकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अमिताभ बच्चन की बुक जिसमें 100 साल पुराना इतिहास है बच्चन फैमिली का, और उसको पढ़ने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नहीं बताया है उसका दिलचस्प खुलासा इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। तो अमिताभ की इन दिनों काफ़ी चर्चाएँ फिल्म को लेकर भी हो रही हैं। 81 साल से भी ज़्यादा उम्र होने वाली है अमिताभ की, लेकिन अमिताभ का जो काम करने का उत्साह है वो उसी तरीके से बरकरार है जिसकी फैंस काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वैसे आप इस खबर पर क्या कहना चाहिए, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए अमिताभ के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन की शुरुआती पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। स्कूल के दिनों में ही वो नाटक में हिस्सा लेने लगे थे। उनके दिल्ली के दोस्तों ने बताया कि कोलकाता में नौकरी मिलना आसान है, इसके लिए ज़रूरी था कि वो अच्छा दिखें और अच्छा बोल लें, तो उन्होंने एक नया सूट सिलवाया और कोलकाता नौकरी करने पहुंच गए। उन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। हालांकि उनका मन इस नौकरी में नहीं लगा और वहां उन्होंने एक नाटक मंडली भी ज्वाइन कर ली। अमिताभ के बड़े भाई अजिताभ ने उन्हें लेकर फिल्म बनाने की शुरुआत की। अजिताभ के पास उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का रूस से लाया हुआ कैमरा था। कोलकाता में रहते हुए अमिताभ बच्चन की कुछ तस्वीरें खींची गई थी, जिसे अजिताभ ने फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजा। इस कॉन्टेस्ट को राजेश खन्ना ने जीत लिया था। इसी बीच अमिताभ बच्चन की मुलाकात मशहूर मॉडल नीना सिंह से हुई। नीना सिंह को ख्वाजा अहमद अब्बास ने फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए चुना था। अजिताभ ने अमिताभ की फ़ोटोज़ नीना सिंह को दी और नीना ने वो फ़ोटोज़ ख्वाजा अहमद अब्बास को दी। ख्वाजा अहमद अब्बास को अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए आखिरी हीरो की तलाश थी। कोलकाता में अपनी नौकरी छोड़कर अमिताभ बच्चन मुंबई पहुंचे और जल्द ही वो ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म के लिए चुन लिए गए। निर्देशक की मदद से ही उन्हें फिल्म आनंद मिली। आनंद के बाद से ही अमिताभ बच्चन को लोकप्रियता मिली और लोगों के बीच उनकी पहचान बढ़ गई। फिर जंजीर आई और उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बनी। अमिताभ बच्चन के कैरियर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मीडिया से बात करना बंद कर दिया था। रेखा को लेकर उनके बारे में तमाम खबरें छपती थी। जब कुली के एक्सीडेंट के दौरान वो ठीक होकर वापस लौटे तो मीडिया के साथ ये दूरी खत्म हुई। फिल्मों में नाम कमाने के बाद साल 1984 में राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने चुनाव लड़ा। वो इलाहाबाद से सांसद बने, लेकिन बोफोर्स विवाद में घिर गए। पूरा देश उनकी आलोचना कर रहा था। अमिताभ बेदाग निकले, लेकिन गांधी परिवार के साथ उनके रिश्तों में दरार पड़ गई। राजनीति छोड़ अमिताभ ने फिर से फिल्मों में वापसी की और उन्होंने फिल्म मर्द की। यह फिल्म हिट हुई। इसने उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया। वो जहां खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वो मुकद्दर के ऐसे सिकंदर हैं जो मौत को भी कई बार मात दे चुके हैं। वो बॉलीवुड के ऐसे डॉन हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो सदी के ऐसे महानायक हैं जिनके जैसा ना कोई हुआ था, ना कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। महानायक 82 साल के हो गए हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपके लिए लाए हैं अमिताभ बच्चन की कुछ अनसुनी कहानियाँ। अमिताभ आज भी जो किरदार निभाते हैं वो यादगार बन जाते हैं। अमिताभ आज भी जो करते हैं वो अलग अंदाज में करते हैं। आज भी अमिताभ का जलवा ऐसा है कि हर रविवार को उनके घर के बाहर उनके चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए जमा हो जाते हैं। उम्र अमिताभ के फन को, उनकी कलाकारी को और निखार ही रही है। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन अमिताभ का नाम इंकलाब रखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के दोस्त और मशहूर कवि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर उन्होंने अपने बेटे का नाम अमिताभ रखा। अमिताभ के सरनेम की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। अमिताभ का सरनेम श्रीवास्तव हुआ करता था, लेकिन उनके पिता ने हरिवंश राय ने अपना पेन नेम बच्चन चुना था, इसलिए अमिताभ ने भी अपने नाम के आगे बच्चन लगा लिया। इस तरीके से अमिताभ श्रीवास्तव से वो अमिताभ बच्चन बन गए। अमिताभ एक इंजीनियर बनना चाहते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वे एक दिन भारतीय वायुसेना में काम करें और देश की सेवा करें, लेकिन उनका ये सपना पूरा ना हो सका। अमिताभ पहले कोलकाता में काम करते थे, लेकिन फिर बाद में वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। अमिताभ का कहना है कि उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी कीमत पर घर वापस नहीं जाएंगे। यह बात भी दिलचस्प है कि अमिताभ एक बार ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये कहा गया था कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए फिट नहीं है, जबकि आज इसी आवाज़ के करोड़ों दीवाने हैं। अमिताभ की बैरिटोन वॉइस उनकी शख्सियत का बेहद खास हिस्सा है। अमिताभ को उनकी आवाज़ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में भले ही रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अपनी शुरुआत बतौर वोकल नैरेटर के रूप में ही की थी। 1969 में निर्देशक मृणाल सेन की फिल्म में अमिताभ ने अपनी आवाज़ दी थी और इसी फिल्म से अमिताभ ने हिंदी फिल्मों में एंट्री की थी। 1977 में सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी अमिताभ ने आवाज़ दी थी। बतौर अभिनेता अमिताभ की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी, 1969 में आई। इस फिल्म के निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास थे। फिल्म 7 हिंदुस्तानी अमिताभ की इकलौती ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। फिल्म जंजीर ही वो फिल्म है जिसने बिग बी को इंडस्ट्री का महानायक बना दिया। फिल्म जंजीर से ही अमिताभ को पहचान मिली, लेकिन जंजीर से पहले अमिताभ की लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी। इसके बाद अमिताभ सुपरस्टार से महानायक बने, लेकिन अमिताभ की शादी कैसे हुई, ये किस्सा भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि अमिताभ और जया बच्चन की शादी कैसे हुई। तो दोस्तों, लेकिन रुको, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए यारो। कैसे फिल्म जंजीर का जश्न मनाने के लिए अमिताभ और जया को जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी थी। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया भादुरी की पहली मुलाकात पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में हुई थी। दूसरी बार वे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले। कहा जाता है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी में नायक के तौर पर पहले न सिर्फ अमिताभ बच्चन को चुना था, बल्कि उनके साथ कई सीन भी शूट कर लिए गए थे, लेकिन बाद में अमिताभ को यह कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि वो इस भूमिका को शूट नहीं करते। इसके बाद फिल्म में नायक का किरदार समित बांजा को सौंपा गया। अमिताभ फिल्म गुड्डी से भले बाहर हो गए, लेकिन जया भादुरी के दिल में बने रहे। जब जया राजेश खन्ना के साथ फिल्म बावर्ची की शूटिंग कर रही थी, तो अमिताभ वहां उनसे मिलने आया करते थे। एक दिन सेट्स पर अमिताभ को देखकर राजेश खन्ना ने जया भादुरी से कहा था, क्यों तुम इस आदमी के साथ घूमती हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये आदमी कभी हीरो नहीं बन सकता, ये मेरा चैलेंज है। पत्रकार अली पीटर जॉन के मुताबिक साल 1972 में फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान ही एक दिन जया भादुरी को राजेश खन्ना के इस बर्ताव से बेहद गुस्सा आ गया। अली पीटर जॉन के मुताबिक उनके सामने ही जया भादुरी ने एक बार राजेश खन्ना से कहा था, एक दिन देखना ये कहाँ होगा और तुम कहाँ होंगे। आज अमिताभ के साथ काम करना हर छोटी बड़ी हीरोइन के लिए खुशनसीबी की बात होती है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब अमिताभ को फिल्म जंजीर के लिए हीरोइन नहीं मिल रही थी। ऐसे में जया भादुरी अमिताभ की हीरोइन बनने के लिए राजी हुई और फिर दुनिया जानती है कि जंजीर के बाद अमिताभ की ज़िंदगी कैसे बदल गई। फिल्म जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ और जया इस फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए लंदन जाना चाहते थे, लेकिन अमिताभ के माता पिता को इस बात पर ऐतराज़ था। उन्होंने अमिताभ से कहा कि अगर जया को लंदन लेकर जाना है तो शादी करके लेकर जाओ, बस फिर क्या था। अमिताभ ने झटपट जया से शादी कर ली। जया से शादी के 4 साल बाद अमिताभ की ज़िंदगी में रेखा की एंट्री हुई। इन दोनों की मोहब्बत के चर्चे हर गली कूचे तक में होने लगे, लेकिन इन दोनों ने कभी ये नहीं माना कि इन खबरों में कोई सच्चाई है। 70 के दशक के अंत में अमिताभ बच्चन और रेखा का सिलसिला बी टाउन और मीडिया पर छाया हुआ था। हालांकि उनकी दुखद अंत वाली कहानी को आज भी किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वे रास्ते में मिलते हैं तो यह कुछ ही समय में सुर्खियों में आ जाती है। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। जब रेखा ने अमिताभ के लिए अपने प्यार को कबूल किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा इस पर चुप्पी बनाए रखी और दशकों बाद भी उनका रिश्ता अभी भी मीडिया की जांच के दौर में है। साल बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी कहानी सुनकर बड़ी हो गई। जल्द ही उनकी प्रेम कहानी एक विवाद भरे मामले में बदल गई थी। जब रेखा और अमिताभ के बीच चिनकारी भड़की थी तो अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे। बाद में जब रेखा अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची तो मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। जब दो अनजाने की जिंदगी में सिलसिला शुरू हुआ तो रेखा दूसरी औरत बन गई और मीडिया में हर तरफ एक कहानी थी कि कैसे वो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच दरार का कारण बनी। आइए रेखा के उन बयानों पर नज़र डालते हैं जो उन्होंने अमिताभ और जया के बारे में दिए या फिर केवल अमिताभ को कोट करके कहा। नवंबर 1984 में फिल्म फेयर के साथ एक पुराने इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ बच्चन द्वारा उनके रिश्ते के बारे में इनकार पर बात की थी और कहा था उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा अपनी इमेज बचाने के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया। मुझे लगता है कि वो खूबसूरत हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। जनता को उनके प्रति मेरे प्यार या मेरे लिए उनके प्रेम के बारे में क्यों पता चलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा था, मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, बस इतना ही। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है। अगर उन्होंने निजी तौर पर मेरे लिए इस तरह की प्रतिक्रिया जताई होती तो मुझे बहुत निराशा होती, लेकिन क्या उन्होंने कभी ऐसा किया है? मुझे आपसे पूछना है तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्या कहा है। मुझे पता है लोग कह रहे होंगे बेचारी रेखा पागल है, फिर भी देखो शायद मैं उस दया की पात्र हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके 10 अफेयर्स हैं। मिस्टर बच्चन अभी भी पुराने ख्यालों वाले हैं, वो किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते तो अपनी पत्नी को चोट क्यों पहुँचाएंगे। रेखा से सिमी गरेवाल ने अपने शो में पूछा था कि क्या उनके कथित प्रेमी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन उनकी डेटिंग अफवाहों से परेशान रही, जिसका जवाब देते हुए रेखा ने कहा था, बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वो कोई छोटी इंसान या इतनी इनसिक्योर है। अब अंत में कुछ बात हो जाए अमिताभ बच्चन के बारे में। और हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन आज जिस मुकाम पर हैं, अगले कई वर्षों तक शायद ही कोई और इस मुकाम पर पहुंचे। 82 साल की उम्र में भी अमिताभ निरंतर काम कर रहे हैं। अभिनय, एंकरिंग, विज्ञापन, हर जगह वे व्यस्त नजर आते हैं। क्यों हैं आज भी वे सक्रिय और लगातार काम करते रहना चाहते हैं। उनसे जुड़ी 6 अनसुनी कहानियाँ। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फिल्मों में किस्मत आजमाने से पहले कोलकाता में रेडियो अनाउंसर और एक शिपिंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी काम किया था। उस दौरान उन्हें 800 रुपये मासिक वेतन मिला करता था। सन 1968 में कोलकाता की नौकरी छोड़ने के बाद वे मुंबई आ गए। मुंबई आते वक्त उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो अमिताभ के मित्र राजीव गांधी की मां भी थी, उनका लिखा सिफारिशी खत भी था, जिसकी बदौलत उन्हें के.ए. अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में काम मिला। इसी भूमिका के लिए उन्हें पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ। अमिताभ बच्चन मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में प्रसिद्ध हास्य कलाकार तथा निर्माता निर्देशक महमूद के घर पर रहे थे और बाद में उन्होंने महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भी काम किया था। अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया भादुरी की पहली मुलाकात पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में हुई थी। दूसरी बार वे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी के सेट पर मिले। ऋषिकेश मुखर्जी ने गुड्डी में नायक के तौर पर पहले न सिर्फ अमिताभ बच्चन को चुना था बल्कि उनके साथ कई सीन भी शूट कर लिए गए थे, लेकिन बाद में अमिताभ को यह कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि वो इस भूमिका को शूट नहीं करते। इसके बाद फिल्म में नायक का किरदार संदीप बांजा को सौंपा गया। हालांकि बाद में गुड्डी के ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ के साथ जया को फिल्म मिली, चुपके चुपके और अभिमान जैसी कई सुपरहिट फिल्में भी करवाईं। अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की शादी फिल्म अभिमान के रिलीज होने से 1 महीना पहले हुई थी। फिल्म जंजीर की शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों और क्रू सदस्यों ने फिल्म के हिट होने की स्थिति में विदेश घूमने का कार्यक्रम बनाया था। चूंकि यह अमिताभ और जया की एक साथ पहली विदेश यात्रा थी, इसलिए अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन से विदेश जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या जया भी उनके साथ जाएंगी। जब अमिताभ ने जवाब में हाँ कहा तो उन्हें देश छोड़ने से पहले विवाह कर लेने का आदेश दिया। तब अमिताभ शादी के बाद ही जया को विदेश ले जा सके। 1978 में अमिताभ और रेखा की नज़दीकियों की खबरें जब अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स की सुर्खियां बनने लगी थीं, इस बात को लेकर अमिताभ के घर में भी काफ़ी हंगामा रहा। कहते हैं रेखा दिल ही दिल में अमिताभ को चाहती थी, लेकिन अमिताभ हमेशा इस रिश्ते को लेकर चुप ही रहे। वहीं रेखा कभी किसी शादी में मांग में सिंदूर भरकर तो कभी अपनी मां बनने की अफवाहें उड़ाकर सनसनी फैलाती रहीं। जिस समय अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें जोरों पर थी, उस समय इन खबरों से परेशान होकर जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर भी बुलाया था। 1984 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अमिताभ बच्चन इंदिरा के पुत्र और अपने मित्र राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में शामिल हुए। वे इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने पराजित किया था। अमिताभ बच्चन ने लगभग 12 फिल्मों में डबल रोल किया है। इतना ही नहीं, एक फिल्म निर्देशक एस रामानाथन की महान में तो उन्होंने तिहरी भूमिका निभा दी थी। अमिताभ बच्चन ने पहली बार मिस्टर नटवरलाल के गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों गीत के लिए पार्श्व गायन किया था। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन के चेहरे को लेकर एक कॉमिक चरित्र सुप्रीमो की रचना की गई थी, जिसकी सीरीज का नाम ही द एडवेंचर्स ऑफ अमिताभ बच्चन रखा गया था। यह कॉमिक श्रृंखला लगभग 2 साल तक प्रकाशित होती रही। वर्ष 2003 में अमिताभ बच्चन को फ्रांस के ड्यूविले शहर की मानद नागरिकता भी प्रदान की गई, जो किसी भी विदेशी के लिए बेहद दुर्लभ कही जाती है। अमिताभ बच्चन के अतिरिक्त यह सम्मान केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया है। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ में खलनायक की भूमिका निभा रहे पुनीत इस्सर के हाथों घूसा खाकर घायल होने के बाद जब अमिताभ बच्चन बेहद गंभीर स्थिति में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उन्हें देखने अस्पताल आई थी। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन से जीवन से जुड़ी 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।